अपने आप को अपना देखिए, नाइन्थ पास हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे तो यही होगा। और बनाइए, और बनाइए नाइन्थ पास लोगों को हेल्थ मिनिस्टर। शिवम त्यागी मिश्रा, एके मिश्रा, स्वच्छ मिश्रा, एके मिश्रा, स्वच्छ मिश्रा, एके मिश्रा, स्वच्छ भारत का पूरा। अर्नब मैं आपको बता रहा हूँ, ये समस्या आज की नहीं है, ये आज ये हो गया। 50-60 साल से बिहार के सरकारों ने क्या किया? सर पहले नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं है। साहब आज जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, 70 सालों से क्यों नहीं किया? जिंदगी में पहली बार तो एम्स गया वहां पे, 70 सालों में 100 स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? भेजिए अपने पत्रकारों को नाइन्थ पास हेल्थ मिनिस्टर से जरा क्वेश्चन पूछिए। आज हमारे साथ प्रोग्राम पर है एके मिश्रा, हमारे दिल्ली में स्टूडियो में है। नमस्कार मिश्रा जी। तो मैं पहले आपको आवाज आ रही है मिश्रा जी, त्यागी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अर्नब, आ रही है। तो जरा ये बताइए, और शाहीन जी ये बताइए, आप जेडीयू के हैं? मुझे नहीं पता जरा इंसेफ्लाइटिस क्या होता है। भेजिए अपने पत्रकारों को नाइन्थ पास हेल्थ मिनिस्टर से जरा क्वेश्चन पूछिए। 50 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हुआ? आप लोगों ने क्या किया? बिहार में जितनी सरकारें रही हैं, कुर्सी पे बैठे हो के साथ मेरे बिहार की दुर्दशा इस तरह हो रही है, बच्चों की मौत हुई रही है, बच्चों की हत्या की गई है। अरे नीतीश कुमार तो इंजीनियर है, वो क्या कर लिए? 15 साल तो लंबा वक्त होता है, आप बिहार को मेरा गर्व में पहुंचा दिया है। आप हद करते हैं, सरकार का पक्ष ले रहे, शर्म आनी चाहिए सरकार का पक्ष लेने वाला। 15 साल ये कोई एपिडेमिक नहीं है, क्या बच्चों की मौत हो रही है? ये कोई एपिडेमिक नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्या इसको रोका जा सकता था? आप मुझे बताइए, कोई कहिए इस प्रोग्राम पर क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? कहिए मनीषा प्रियम को कहिए आप कहिए आज आप एके मिश्रा को कहिए, आप शिवम त्यागी को कहिए इसको नहीं रोका जा सकता था। कहिए मुझे शिवम त्यागी, आप मुझे ये कहिए कि इसको नहीं रोका जा सकता था। पप्पू यादव प्रोग्राम पर है, कहिए पप्पू यादव को, कहिए पप्पू यादव को नलिन कोहली ये नहीं रोका जा सकता था? रोका नहीं किया। सच बात तो ये है, लापरवाही के कारण रोका जा सकता था। 626 बच्चे अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग इधर, मुझे शर्म आती है कि हमको कैमरा ले जाके आपको दिखाना पड़ता है कि हालत क्या है वहाँ पे। स्वास्थ्य मंत्री करो, 5 साल काफी लंबा वक्त होता है। सत्ता तो हमेशा प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से एक परिवार के पास रही है। बिहार में तो सत्ता इनके अस्पतालों में, एके मिश्रा प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष से। वन हेल्थ वन एजुकेशन वन नेशन की बात नहीं होगी, अपने आप को अपना देखिए, नाइन्थ पास हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे तो यही होगा। आप अपने आप को अपना देखिए, नाइन्थ पास हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे तो यही होगा।
और बनाइए, और बनाइए नाइन्थ पास लोगों को हेल्थ मिनिस्टर शिवम त्यागी, और बनाइए, और बनाइए नाइन्थ पास लोगों को हेल्थ मिनिस्टर शिवम त्यागी, उनसे शिवम त्यागी कोलकाता से 13 सालों तक पप्पू यादव को कुछ कह रहे हैं 13 सालों तक इनसे अप्लाई 13 सालों तक कौन थे हेल्थ मिनिस्टर 13 सालों तक पर फंड जो है वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है, घोटाले नहीं किए जाते, किसी की जेब नहीं भरी जाती। मुझे लगता है आपको दर्द जरूर हो रहा होगा, लेकिन होगा। बच्चों की मौत की जहां तक बात है, इस पूरे देश की संवेदना इसके साथ है, बिहार सरकार की संवेदना इसके साथ है, केंद्र सरकार की संवेदना इसके साथ है, और इसके साथ साथ आयुष्मान के डिप्टी सीईओ इस पर नजर बनाए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं, हर्षवर्धन जी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपने भाजपा के साथ रहे, स्वयं जयप्रकाश नारायण के फिजिशियन रह चुके हैं, वो उन्होंने लिख दिया है कि इस पूरे हालात उनके बच्चों की मौत पर वो आबरू हो, सामने सामने आबरू हो, एक कचरा खाना जो है स्वच्छ खाना जो है स्वच्छ भारत का पूरा। अर्णब मैं आपको बता रहा हूँ, ये समस्या आज की नहीं है, स्वच्छ भारत आज ये हो गया, उसमें 50-60 साल से बिहार के सरकारों ने क्या किया भारत का पूरा। अर्णब मैं आपको बता रहा हूँ, मुहिम चला, ये समस्या आज की नहीं है, स्वच्छ भारत आज ये हो गया, उसमें 50-60 साल से बिहार के सरकारों ने क्या किया। आपको मैं बता दूं, सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ पे जो खर्चा होता है बिहार में होता है, पूरे इंडिया का आधा होता है, इंडिया में 800 रुपए पर कैपिटा है, बिहार में 350 रुपए है। यह समस्या आज की नहीं है, आप ये पैसों की कमी की बात नहीं है मनीषा प्रिया, कह रहे पैसे नहीं है, पैसों की ये कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए देखिए देखिए, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि आपके पास पैसे नहीं है मीडिया को उसका दायरा बताने के। 70 सालों में आप लोग मीडिया को अपना दायरा बता रहे हैं, तो मैं आपको अपना दायरा बता रहा हूँ कि 21,000 करोड़ के बजट का इस्तेमाल सर अगर यही हालत रहा 21,500 करोड़ रुपए का सरप्लस है नीतीश कुमार के पास, तो यही सरप्लस है बजट में, सरप्लस है। अरे पप्पू यादव ये झूठ बोल रहे हैं, इनको बोलिए 21,500 करोड़ रुपए का सरप्लस है नीतीश कुमार के पास, और वो कह रहे हैं कि पानी पीने का पानी नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, पैसे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद सरासर झूठ झूठ बोल के कितने दिन तक चलाएंगे आप। बिल्कुल पप्पू यादव जी, इससे बड़ा झूठ हो सकता है कि नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं है। 1,000 का सर कहते नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं है। साहब आज जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, 70 सालों से क्यों नहीं किया, 70 सालों से क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ, आप मुझे बताइए ना। डेवलपमेंट की न्यू ही नहीं रखी गई है वहाँ पे भैया, राजनीति नहीं हुई है, शक्ति का कुशीन को चाहिए, अरे सर बहानी चाहिए नीतीश कुमार, पूरे कैबिनेट को 15 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आज बच्चे मर रहे हैं, और आप जिसमें सर बहाना चाहिए मेरा व्यक्ति को, तो डॉक्टर रहना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर अभी भी वक्त है, आप जाना चाहिए गाँव गाँव में की सुरक्षा देंगे, घोटाले करिए, गाँव के लोग खाली कर रहे हैं, घोटाले करिए, सरकार की व्यवस्था कर रहे हैं, चारा घोटाले करिए, आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में पहली बार तो एम्स गया वहाँ पे, 70 सालों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। किसके तरफ है पहले पूछ लीजिए, ये सरकार के तरफ है, नीतीश के तरफ है, या किधर के तरफ है, न इनको बिहार से मतलब है, न बिहार में कभी मुजफ्फरपुर में गए होंगे। किसके तरफ है, 1.5 साल की बात करते हैं, 1.5 साल में क्या 15 साल से व्यक्ति बैठा हो, क्या आप अगर मुख्यमंत्री होते तो 19 दिन लग जाते जाने में। सरकार माननी चाहिए, दोनों तरफ की बात करते हैं, पैसे को खा डालते हैं, घोटाला कर डालते हैं, मतलब नहीं है जो चारा घोटाला जो को पता ही नहीं है, और यहाँ बैठे हुए कहते हैं 1.5 साल में हेल्थ मिनिस्टर था। पहुंचे नहीं है लोगों को देखने के लिए, एक्स हेल्थ मिनिस्टर बनना होगा, पहुंचे नहीं है लोगों को देखने के लिए, एक्स हेल्थ मिनिस्टर बनना होगा, एक्स हेल्थ मिनिस्टर का काम है ये, जो हेल्थ मिनिस्टर है एन्सेफेलाइटिस। अच्छा बताइए, आप बताइए मुझे आप बहुत बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे एन्सेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए, एन्सेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ,
एनसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए 2015 में, आप देखिए मीडिया को मर्यादा का परिभाषा समझाने वाले बीजेपी नेता इस बात का ध्यान बताए मुझे इसके बारे में कि 2015 में एनसेफेलाइटिस का रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का स्वास्थ्य कर्मी ठीक से पालन क्यों नहीं कर रहे थे। तो अगर पालन नहीं हो रहा था और उसके कारण एनसेफेलाइटिस बढ़ गई और उसके कारण 172 बच्चे मर गए, तो फिर आप इस्तीफा दीजिए। एके मिश्रा, गरीब बच्चों की याद सिर्फ आती है। नलिन कोहली, गरीब नलिन कोहली। पप्पू जी मैं आखिरी में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूँ पप्पू जी, मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि आज नीतीश कुमार ने मीडिया पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखोगे क्या, पत्रकारों को क्या कहा कि मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखोगे क्या। तो इस पर मैं नीतीश कुमार से आज पूछना चाहता हूं कि अगर घमंडी नीतीश मेरी बात सुनो, अगर हमने मर्यादा का चिंता किया होता तो कौन बिहार में चल रही इतनी बड़ी लापरवाही का उजागर करता। हमें सिखाओगे मर्यादा? अरे घमंडी नीतीश, क्या नीतीश को इस बात से ये समस्या है? सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने सारी हदों को पार करते हुए, और सारी हदों को हम पार करेंगे, सारी हदों को पार करते हुए हमने उनके सरकार के बदसूरत सच को उजागर किया है। और नीतीश, घमंडी नीतीश, ये सुन लो, आपके सरकार, आपके कुशासन के बदसूरत सच का उजागर हम और भी करेंगे। मैं नहीं, पूछता है भारत, कल शाम आपसे, शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार।